आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार। सपनों की दुनिया बहुत रंग बिरंगी होती है। हम सब अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए खूब मेहनत भी करते हैं। कोविड महामारी के इस दौर में तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली जिंदगी थम गई, ठहर गई, तो बहुत सारे सपने धरे के धरे रह गए। पर सपने कहां चैन की नींद सोने देते हैं, वो लगातार कुछ बेहतर करने को प्रेरित करते हैं। अब जब वैक्सीन के ट्रायल्स अपने अंतिम चरण में हैं, तो सपनों को साकार करने की उम्मीद बढ़ सी गई है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं, तब तक संयमित रहें, संकल्पित रहें और दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जन आंदोलन शुरू किया है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आप जहां जाएं मास्क पहनिए, अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। कोविड 19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर नीरज, हमने सपनों की बात की और सपनों से जुड़ी एक खबर यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो प्रमुख हैं टेड्रोस गैब्रियल एधनोम, उसने कहा है कि महामारी खत्म होने का सपना देखना दुनिया शुरू कर सकती है। वैक्सीन के आहट के बीच इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो वैक्सीन जो अभी यूके ने अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंतर्गत, तो डेफिनेटली वैक्सीन हम कह सकते हैं कि इट्स अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस पैंडेमिक। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम इस वैक्सीन का प्रॉपर यूज करते हुए और जो ये सोशल वैक्सीनेशन को यूज करते हुए अगर हम संयमित रखें अपने आप को, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने डेली लाइफ को स्टार्ट करना है, मास्क का प्रयोग करना है, बीमार हो तो अपने आप को घर पे आइसोलेट करें, टेस्ट कराएं, इन सब का पालन करते हुए डेफिनेटली हम इस पैंडेमिक के एंड की तरफ एक स्टेप ले चुके हैं और बहुत जल्दी हम इस पर विजय पा सकेंगे। डॉक्टर नीरज, जैसे वैक्सीन के आने की खबर है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी लोगों के जहन में खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो अमीर देश हैं वैक्सीन उनकी पहुंच में ज्यादा होगी, जो विकासशील देश हैं या जो दूसरे नंबर के देश माने जाते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कह लें या आर्थिक प्रगति के आधार पर मान लें, वहां के लोगों का मानना है कि उन तक वैक्सीन के पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। इन सब जो उलझन है इस पर एक बतौर स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पैंडेमिक ने एक बात फिर से रीइंफोर्स किया है कि सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई एक अपने आप को बाकी से आइसोलेटेड नहीं देखे जी। इस पैंडेमिक ने किसी भी देश में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो अगर कोई अमीर देश अगर ये सोचे कि मैं अपने लोगों को वैक्सीनेट कर देता हूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोचना काफी गलत होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी इन्फेक्शियस पैंडेमिक एपिडेमिक चल रहा है, वो किसी के भी देश में जस्ट एक फ्लाइट अवे है। एक जहाज में कोई बैठ के, एक एरोप्लेन में बैठ के उसके देश में पहुंच गया तो बीमारी वापस से वही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि विश्व के सारे देशों को, चाहे अमीर हो गरीब हो, उन सभी को साथ मिलकर इस जो भी वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं किस वे में एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके जल्दी से जल्दी पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाए, उस पर काम करना पड़ेगा। और आई एम श्योर सारे देश ऐसा ही सोच रहे होंगे, कोई अपने लिए सिर्फ बचा के रखने के बारे में नहीं सोच रहा होगा। डॉक्टर नीरज, एक अहम सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीन के आ जाने से कोई कोरोना संक्रमित नहीं होगा, कोई कोरोना से किसी की जान नहीं जाएगी? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को टीका लग गया तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेगा?
देखिए ये एक लोगों में एक ये मैं कहूंगा मिसकंसेप्शन है कि उन्हें लगता है कि वैक्सीन आते ही ओवरनाइट सारा कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएगा जी। तो हमें ध्यान रखना होगा किसी भी बीमारी जो वैक्सीन होती है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट उसकी एक एफिकेसी होती है। एफिकेसी का मतलब कि जो आइडियल सिचुएशन में जैसे ट्रायल सेटिंग में हम करते हैं उससे हमें एफिकेसी का पता चलता है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में उसको लॉन्च करते हैं जब रूटीन वैक्सीनेशन के लिए हम लॉन्च करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस का पता चलता है कि ओके रियल वर्ल्ड में ये कितना इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, जो भी अभी वैक्सीन जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उनकी एफिकेसी काफी ऊपर दिख रही है, 90 के नीचे तो मुझे कुछ खास पता नहीं है कि 90 के नीचे वाला कोई वैक्सीन है, तो इस वे में काफी एफिकेशियस है, लेकिन फील्ड में आने के बाद वो कितना इफेक्टिव रहेगा वो एक देखने की चीज है। तो वैक्सीन लगने से आप बीमारी से बिल्कुल बच जाइएगा ये सोचना बहुत गलत है। इन्फेक्शन आपको तभी भी हो सकता है, वैक्सीन का मेन काम होता है कि अगर आप इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो आपकी बीमारी कॉम्प्लिकेट ना हो इसमें वो मदद करता है जी, तो इसलिए बिल्कुल ये वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप इन्फेक्शन नहीं फैला सकते, ऐसा सोचना थोड़ा गलत होगा। इसलिए सारी सावधानी बरतते हुए हमें आगे बढ़ना होगा जी। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें जब से नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से चल रही हैं, उनमें कुछ भ्रामक खबरें भी होती हैं जो हमारे श्रोताओं को परेशान करती हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसमें सच क्या है। ऐसी ये खबर है कि अस्थमा के जो मरीज होते हैं कोरोना का खतरा उनमें कम होता है, आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट जो भी लोग हैं जिनमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, चाहे अस्थमा हो, सीओपीडी की बीमारी हो, उनका एयरवे ऑलरेडी काफी रिएक्टिव होता है। उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होगा जिस बीमारी में एयरवे को और वो रिएक्टिव करता है, तो ऐसे लोगों में इनफैक्ट बीमारी के कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, न कि वो इस बीमारी से बचे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचना इनफैक्ट किसी के लिए बहुत जानलेवा सिद्ध हो सकती है। तो जो भी एस्थमेटिक सीओपीडी या कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस वाले पेशेंट हैं उन्हें एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है। एक और खबर है कि डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी में क्या कुछ ऐसा खास होता है जिससे कोरोना संक्रमण ये बढ़ने नहीं देता है? देखिए अगेन, ऐसा टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसा कोई एविडेंस, पब्लिश एविडेंस नहीं है कि ये डार्क चॉकलेट या ग्रीन टी पीने से कोविड नहीं होगा या ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ग्रीन टी के अपने फायदे हैं, बट इसके भरोसे आप अपनी लापरवाही न करें, अपना ध्यान रखें, जो भी प्रिकॉशंस हम बता रहे हैं वो लेते रहें जी। डॉक्टर साहब, अब चूंकि भारत में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, शॉपिंग मॉल भी खुल गए हैं, ऐसे में जब स्टोर्स के अंदर शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं वो कितना सुरक्षित है और अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या एहतियात बरता जाए? देखिए ये जो हमारी लड़ाई है एक इनविजिबल एनिमी के विरुद्ध है जी। तो इसलिए जो सतर्कता ही हमारी जान बचा सकती है जी। अनलॉक के बाद डेफिनेटली हम अपनी लाइफ एक बंद घर में पूरे समय नहीं बिता सकते हैं, हमें अपने डेली नेसेसिटी की चीजें लेनी होगी, रूटीन लाइफ हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, तो सतर्कता के साथ ही हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप स्टोर में जा रहे हैं तो सबसे पहला रूल आप ये फॉलो करें कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई सिम्टम है, तो डेफिनेटली आप स्टोर में जाने से बचिए जी। अगर आप ठीक है, आप स्टोर जा रहे हैं, तो ये इंश्योर करें कि आप मास्क पहन के जाएं, अपने साथ हैंड सैनिटाइजर कैरी करें, आप जो है कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग जितना फॉलो कर सके, लोगों से फिजिकली डिस्टेंस रह सके आप रहिए, तो इन सब चीजों के साथ आप अपना नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे और दूसरों को बीमार भी नहीं करेंगे जी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से शंकर लाल जी पहले कॉलर के रूप में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी आपका। जी डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। हम ढोलक बजाने का कार्य करते हैं तो इसमें वायरस से हम कैसे मतलब अपना बचाव करें? बहुत व्यावहारिक सा सवाल है डॉक्टर साहब। जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लोग अपने अपने काम धंधे पर वापस लौट गए हैं। भारत में एक लोक संस्कृति में एक परंपरा है ढोल बजाने की, कई अवसरों पर, पारंपरिक धार्मिक अवसरों पर भी ढोल बजाए जाते हैं और गांव में ऐसे भी कई आयोजन में ढोल बजते हैं। अब ये जानना चाहते हैं क्या इससे भी वायरस फैल सकता है, संक्रमण का खतरा है? बिल्कुल, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो शादी हो, किसी का जन्मदिन के अवसर पे ढोलक बजाने गए, तो एक लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है जी। तो अगर वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी हम बात कर रहे हैं, एक जो सोशल वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं,
अगर वो फॉलो नहीं करे, अगर उसमें कोई संक्रमित व्यक्ति शामिल है जी, अगर संक्रमित व्यक्ति शामिल है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो ये जो भी काम करने जाए, इनका ढोलक बजाना काम है, तो ये इंश्योर करें कि बाकियों से थोड़ा अलग रहें, मास्क पहने, अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपना काम कर सकेंगे। और हमारी जिम्मेवारी भी है कि अगर कोई इस रूल को फॉलो करके नहीं दिखता है तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपके चलते किसी और की जान जा सकती है, कोई और ज्यादा बीमार पड़ सकता है, उनको समझाने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि एक दूसरे की मदद करके हम इस बीमारी को रोक पाए। बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी जी जुड़ चुकी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद सर, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इस पर लोग बताते हैं कि जैसे पशुओं में नहीं पाया जाता ना, पक्षियों में, तो सर ये वुहान शहर से निकला चीन में, और सर वहां पे पक्षियों से ही पाया गया, तो एकाएक पक्षियों से कैसे खत्म हो गया और मैंने मनुष्यों में कैसे अटैक हो गया, सर ये उसका क्या कारण है? ये शंकाओं को मिटाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरी दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं कि आखिर वुहान से कहां से इसकी शुरुआत हुई। रिंकी जी का भी सवाल वही है कि क्या वो जो एक मार्केट है वुहान में, जहां कहा जाता है कि पशुओं का मार्केट है और वहीं से ये फैला, पशुओं से मनुष्यों तक का सफर जानना चाहती हैं कोरोना वायरस का रिंकी जी। देखिए अभी तक ऐसी है कि ये वायरस एग्जैक्टली कहां से ओरिजिनेट किया उसको लेके, लेकिन ये जरूर मानना है कि ये वायरस पहले एक एनिमल वायरस था, या पक्षियों में हो जानवर में हो, उससे जो है वो म्यूटेट होकर, जैसे कोई भी जैसे एनिमल वायरस होता है और ह्यूमन वायरस, ये नॉर्मली अलग अलग होते हैं, इनका जो सर्वाइवल की कैपेसिटी होती है वो नॉर्मली एनिमल वाला ह्यूमन में सर्वाइव नहीं कर सकता, ह्यूमन वाला नॉर्मली जो है एनिमल में सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन इन वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको म्यूटेशन कहते हैं, वो काफी ज्यादा म्यूटेट करते हैं, तो ऐसे वायरस जो एनिमल में पहले इन्फेक्ट करते हो उनमें कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि उनमें कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि वो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सके, तो ये वायरस कुछ इसी तरह का हम मान रहे हैं कि ये पहले एनिमल्स में होता था लेकिन इसमें भी म्यूटेट किया कि ये ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये एक जंप किया एनिमल्स से ह्यूमन्स में, और सिंस ये इन्फेक्शन हमारे ह्यूमन्स में नहीं था इसलिए इस अर्थ पे जितने भी लोग थे वो इस इन्फेक्शन को लेकर ससेप्टेबल थे। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी है कि एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ से हुआ था, बट डेफिनेटली अभी सबसे इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस यही है कि एक एनिमल वायरस म्यूटेट होकर ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करना शुरू किया और ये पैंडेमिक के फॉर्म में फैल गया। जी बिल्कुल। मुरादाबाद से मकसूद जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये था कि जो वैक्सीन है तो ये निःशुल्क रहेगी, और अगर इसकी कीमत है तो फिर गरीब लोगों को कैसे, मतलब वो इसका जो इस्तेमाल करेंगे? और दूसरे सर, जो वैक्सीन देश के अंदर बन रही है क्या दूसरे देशों की तरह इसका शांति भी वही होगा? वैक्सीन से जुड़ा सवाल है, इसकी कीमत क्या होगी, और जो भारत में वैक्सीन बन रही है वो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले वो कितना प्रभावी रहेगी? तो डेफिनेटली सरकार की यही कोशिश रहेगी कि ये जितने भी जरूरतमंद लोगों को है उनको आसानी से उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि इस बीमारी को जब तक तब तक वैक्सीन नहीं पहुंचेगी कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो डेफिनेटली सरकार इस मामले में कुछ न कुछ पहल ले रही होगी, और आई एम श्योर कि गरीब अमीर सबको वैक्सीन आसानी से मिलेगा, तो उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और जहां तक हमारे देश के वैक्सीन एज कम्पेयर टू जो वर्ल्ड ओवर वैक्सीन है उसमें क्या फर्क होगा, तो अगेन अभी हमारा फेज 3 ट्रायल चल रहा है एंड जो भी रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही हम 100% सर्टेनिटी के साथ कह पाएंगे। लेकिन यहां समझने की एक जरूरत है कि जो वैक्सीन जो बाकी देशों में बन रहा है वो कोई जरूरी नहीं कि हमारे देश में उतना ही इफेक्टिव हो, क्योंकि जैसे हमने देखा जो फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, -70 -80 डिग्री टेम्परेचर पे, तो वो हमारे कंट्री के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इफेक्टिव हो पाए। तो इसीलिए जरूरी है कि जो हमारे देश में जो वैक्सीन बन रहा है और प्लस एक दो और जो कैंडिडेट वैक्सीन है चाहे ऑक्सफोर्ड का हो, ये हमारे देश में ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं उस वे में। तो अब ये समय बताएगा और हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हमारे देश का वैक्सीन कितना इफेक्टिव रहता है। मकसूद जी, जैसे बहुत सारे श्रोताओं के जहन में इस तरह के सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जब भी किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल मिलेगा वो देश की जनता तक जरूर उसकी पहुंच होगी। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। सर, पूछना था कि एक कोरोना वायरस का टीका लगने के बाद क्या इसका कोई साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव हो सकता है, या और क्या कोरोना जड़ से खत्म हो सकता है? डॉक्टर साहब, जब से वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल शुरू हो गए हैं, अब लोगों का पूरा जो फोकस है वो वैक्सीन पे शिफ्ट हो गया है। और सुजीत जी जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन लगने के बाद इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और क्या कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा? तो देखिए, जो भी वैक्सीन जो जनरल पॉपुलेशन के लिए अप्रूव होगा, उसमें ये पहले इंश्योर करते हैं कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग या कोई ऐसा साइड इफेक्ट न हो जिससे किसी भी इंसान को ज्यादा परेशानी हो। जो मामूली साइड इफेक्ट, जैसे कई बार वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा सा किसी लोगों को फीवर आ जाता है, जहां इंजेक्शन लगा वहां पे दर्द हो सकता है, तो इस तरह के मामूली साइड इफेक्ट तो किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकते हैं। बट ये आप इंश्योर करके ही सरकार या DCGI जो हमारे अप्रूविंग बॉडी है, ये सारे साइड इफेक्ट को ध्यान में रख के किसी के लिए कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज ना हो तभी अप्रूव करती है। तो आप निश्चिंत रहें, इस तरह की कोई भी साइड इफेक्ट के चांसेस नहीं के बराबर होंगे। जी। हरियाणा के सिरसा से ओम प्रकाश चावला जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो वैक्सीन अब तैयार है लगभग, तो चलो हफ्ते में दो हफ्ते में आने को लिए, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि देश के जो अर्बन सिटी हैं, सभी स्टेटों के जो अर्बन सिटी हैं, उनमें पहले ये वैक्सीन मिलनी चाहिए इच्छुक व्यक्ति को। और जिस प्रकार मतलब भारत दूसरे देशों का भी सहयोगी उसी प्रकार बना रहे, जिस प्रकार आज तक पहले बना रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी की जाना है तो दूसरे देशों की पूर्ति होती रहे, तो साथ साथ इच्छुक व्यक्ति लगे। दूसरे हमारे पास ऐसे बहुत से विकल्प हैं, यानी जब तक ये सारे पूरे भारत में नहीं वैक्सीन सबको मिल पाती, बहुत से विकल्प हैं। और दूसरा एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब ये पुराने समय में जब हैजा फैलता था तो उस समय एक प्रिकॉशन ली जाती थी कि जो है सूरज पूरे अस्त होने से पहले पहले यदि खाना खा लिया जाए तो कुछ ये भी रोग पर कंट्रोल होता था। इसी प्रकार हमारे पास भी फाइटोकेमिकल आहार के ऐसे बहुत हैं, यदि हमें विधि का पता है और दूसरा समय का हमें ध्यान रख लें, जैसे 8-8 घंटे दिन में तीन बार डिवाइड है समय का, अपना अपना प्रभाव है। एक तरह का सुझाव है डॉक्टर साहब, और ये कोशिश कर रहे हैं ये कहने की कि संयम और धैर्य के सहारे अगर लोग इंतजार करें तो उन तक वैक्सीन पहुंच सकती है। और दूसरा ये अपने ढंग से कुछ सुझाव दे रहे थे कि भारत में और संतुलित आहार के सहारे भी हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका डाइट बहुत ही बैलेंस है, संतुलित है, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। तो इसलिए इस अच्छे इम्यूनिटी के साथ आप काफी बीमारियों को बचा सकते हैं। संतुलित आहार से आप ओबीस नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे। एक वजन ज्यादा होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है काफी बीमारियों के लिए। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, संतुलित आहार बहुत जरूरी है। और कोरोना संकट के इस दौर में आयुष मंत्रालय ने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई तरह के सुझाव दिए हैं, चाहे वो काढ़ा हो, चाहे वो मौसमी फलों के बारे में हो। आप उन चीजों को अपने आहार में शामिल करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो सरकारी दिशा निर्देश हैं कोरोना से बचने के लिए, उसका पालन करना आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके बाद ही सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। राजधानी दिल्ली से सुरेंद्र रावत जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं वोट कर रहा था मैंने। जी सुरेंद्र जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, कोविड हो जाने के बाद और उसके ठीक स्वस्थ हो जाने के बाद जो शरीर में एंटीबॉडीज बनती है वो कितने समय तक कायम रहती है? एक ऐसा सवाल डॉक्टर साहब जिसका जवाब दुनिया के आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ अभी तलाश रहे हैं और इस पर कई रिसर्च हो रहे हैं। एंटीबॉडीज मानव शरीर में कितने दिनों तक रहती है संक्रमण से ठीक होने के बाद? देखिए, ये जैसा आपने बताया कि एक अभी भी एरिया ऑफ रिसर्च है, अभी कोई भी 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि एंटीबॉडी कितने दिन रहेगा,
और क्या ये री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में कितने दिन तक कारगर साबित होगा, क्या वायरस जो म्यूटेट अगर होता है तो क्या एंटीबॉडी उसको बचा पाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि एटलीस्ट 6 से 9 महीने तक तो डेफिनेटली एंटीबॉडीज हैं, प्लस जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये इस वायरस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखता है, बट अभी 100% सर्टेनिटी के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल, इस पर शोध हो रहे हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे शोध के नतीजे जो हैं वो प्रमाणिक तौर पर सामने आएंगे। राजस्थान के जोधपुर से अब्दुल हकीम जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो टीका बन तैयार हो रहा है ना जी, जो इस टीके का जो डोज है ना, तो हर आदमी क्या झेल पाएगा, कोई कमजोर होगा कोई ताकतवर होगा, और जिसमें क्या है कि हर दवाई होती है ना, तो हर दवाई का डोज आदमी झेल नहीं पाता है, हल्की भारी करनी पड़ती है, तो एक ही जैसा होगा या डोज अलग अलग होंगे? इनका सवाल है कि जो टीका तैयार हो रहा है क्या हर व्यक्ति उस टीके के डोज को झेल पाएगा या फिर हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग टीका होगा? देखिए जो वैक्सीन जो बनता है उसमें बॉडी को झेलने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन का काम होता है कि आपकी बॉडी के जो भी जिस भी बीमारी के अगेंस्ट वो वैक्सीन है उसके अगेंस्ट जो है एक एंटीबॉडी डेवलप कराए, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन हो, अगर अटैक हो तो उसको कंट्रोल कर पाए। तो सभी जो भी ये जो एडल्ट लोगों की बात कर रहा हूँ कि सब लोग जो डोजेज होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। आपके क्वेश्चन से एक ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा इस वैक्सीन के बारे में वो लोगों के अपने स्वास्थ्य पे भी काफी कुछ हद तक डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं ये वैक्सीन लेता हूँ तो जो इम्यून रिस्पॉन्स जो एंटीबॉडी जनरेशन होगा वो मे बी किसी दूसरे के मुकाबले ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन इसके चलते जो डोज है वो चेंज करने की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, और उसके चलते कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा जो आप जानना चाहते हैं कि बॉडी नहीं झेल पाएगी, ऐसा नहीं होता है, और यूनिफॉर्म जो डोजेज होते हैं वो सारे पॉपुलेशन के लिए नॉर्मली वही होता है। जी बिल्कुल, हमारे कुछ कॉलर इतने जागरूक हैं कि वो समय समय पर कार्यक्रम से जुड़ते रहते हैं और अपना सवाल करते रहते हैं। ऐसे ही एक कॉलर हैं बड़ौद से महेश शर्मा जी। महेश जी स्वागत है आपका। महेश जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं जानना चाह रहा जी वैक्सीन सुनाए वैक्सीन तैयार होती है पहले वो किन आदमियों को मिलेगी, क्या फायदेमंद रहेगी ये बताने की कृपा करें। वैक्सीन सबसे पहले किन लोगों को दी जाएगी और कितनी कारगर रहेगी? तो इतने जो वैक्सीन के जो प्रायोरिटी लिस्ट है जो तैयार की जा रही है, आई एम श्योर की जो भी एजेंसी तैयार कर रही है गवर्नमेंट एजेंसी, उसमें जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल ग्रुप है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हो, जो एल्डरली लोग हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ है, तो इनको डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलने के चांसेस हैं, जो कि लिस्ट तैयार होगा उसके अकॉर्डिंग, और फिर धीरे धीरे जो रिलेटिवली हेल्दी लोग हैं उनको भी ये वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये लिस्ट तैयार हो रही है एंड आई एम श्योर कि जल्दी ही ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और कोशिश तो सरकार की यही होगी कि सभी के सभी को ये वैक्सीन जितनी जल्दी उपलब्ध करा सके वो कराने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। जम्मू से रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रंजन जी अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं सर ऐसा पूछना चाहता था कि मैं अपने दिहाड़ी में जाता हूँ तो जैसे अभी सर्दी का मौसम है सर, कपड़े भारी हो गए हैं जी। अच्छा, तो जब हम काम से आते हैं तो सर उसको रोज का धोना मुश्किल है, तो अगर वो सर कोई सैनिटाइजर कपड़ों में कर सकते हैं हम? बहुत ही व्यावहारिक सवाल है डॉक्टर नीरज। जैसा कि जब गर्मी का मौसम था, आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हम सबको ये सलाह देते थे कि ऑफिस से आने के बाद या बाजार से आने के बाद कपड़ों को साफ करें, धोएं। ठंड के मौसम में स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, मफलर हैं या फिर इनर होते हैं, इनको रोज धो पाना बहुत मुश्किल है। वही सवाल इनका है कि जब ये दिहाड़ी से आते हैं, अपने काम से आते हैं, तो कपड़ों के साथ क्या करें, उनको रोज धोना ही अनिवार्य है या फिर कोई और विकल्प भी है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप कहें तो एग्जैक्ट आंसर मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर है कि इसमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं हम कि आप अपने पास 2-3 सेट कपड़े रखिए,
जो आप पहन के काम पे आज जैसे आज कोई काम पे गए आप धो नहीं पाते तो दो तीन दिन के लिए अगर आप धूप में छोड़ दें उसे और उसके बाद वापस यूज करें तो एज गुड एज नॉन इन्फेक्टेड वो होगा क्योंकि उससे ज्यादा धूप में वायरस सर्वाइव करने के चांसेस नहीं के बराबर है। तो ये एक सिंपल तरीका कर सकते हैं। कुछ क्लोथ सैनिटाइजर मार्केट में आए हैं बट वो कॉस्ट इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव है ये कहना बहुत मुश्किल है जी। तो बेस्ट तरीका तो यही रहेगा कि अगर आप कपड़े धोकर सुखा सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका वही होगा। अगर वो आप नहीं करते हैं कर पाते हैं तो आप जो भी पहन के कपड़े आए हैं उनको धूप में छोड़ दीजिए दो से तीन दिन के लिए उसके बाद उसको वापस यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। राजधानी दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर जी, मैं मंगोलपुरी दिल्ली से ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। सर जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, देश में धरना प्रदर्शन जनसभाएं कर रहे हैं लोग, उसमें कोरोना प्रोटोकॉल को ना बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, तो हम कोरोना के प्रसार को कैसे रोक पाएंगे आम आदमी की दृष्टि से? इनकी चिंता बहुत जायज है डॉक्टर साहब की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अन्नदाता किसान इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कौन संक्रमित है कौन नहीं है ये पता लगाना वहां बहुत मुश्किल है, ऐसे में क्या करना सही होगा? तो अब ये जैसे ये इनके जैसे जागरूक अगर सारे लोग हो जाए, अगर आपको धरना करना भी है तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर सके तो वैसे ही बचा जा सकता है। अदरवाइज ये जो भी धरना है इस तरह की सोशल गैदरिंग या बड़ी गैदरिंग होती है ये एक्चुअल में हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं जहां से इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर उस बीच में अगर एक भी इन्फेक्टेड आदमी आया तो उसमें इतनी पोटेंशियल है कि जितने उस ग्रुप के लोग हैं सभी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अब रिक्वेस्ट तो ये भी आप करें जैसे भी करें वो आप एक संयमित तरीके से करें, एक अपने आप पे कंट्रोल रखकर करें कि एक दूसरे को इन्फेक्ट न करें। जो सिम्टोमेटिक है जो इन्फेक्टेड है वो प्रिफरेबली इन सब जगहों पे जाने से बचें और यही तरीका है, उसके अलावा तो और कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक है। दिल्ली से अनिल कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं स्कूल जाता हूँ ड्यूटी पे जी, और ड्यूटी से लौटने के बाद आके सारे कपड़े चेंज करके हाथ मुंह धो लेते हैं, उसके बाद छोटा बच्चा उसको कितनी देर में गोद में खिलाना चाहिए? एक बार फिर से अपना अनिल जी सवाल दोहराइए। हाँ बच्चे को खिलाना चाहते हैं। हाँ, जी, ठीक है। जी, तो जी। जैसे अगर आकर अपने सारे कपड़े आपने धो लिए, अगर अपने हाथ से अच्छे से साफ कर लिए, अगर आपने कोई सिम्टम नहीं है तो कुछ समय की जरूरत नहीं है कि इतनी देर बाद आप बच्चे को खिला सकते हैं। एक बार बाहर के कपड़े आपने चेंज कर लिए, अपने आप को साफ कर लिया तो डेफिनेटली आप उसी समय अपने बच्चे को खिला सकते हैं, उसमें कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में समय बहुत कम बच गया है, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जब ज्यादातर श्रोताओं का फोकस वैक्सीन की तरफ शिफ्ट हो गया है? तो नहीं, मैं जाते जाते ये कहूंगा कि वैक्सीन जो है राउंड द कॉर्नर है, लेकिन उस वैक्सीन से आने तक हमें सहमित रखना पड़ेगा, अपने आप को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं वो हमें करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी सिम्टम है तो डेफिनेटली आप अपने आप को टेस्ट कराएं, जब तक टेस्ट रिजल्ट नहीं आ जाता अपने आप को आइसोलेट करें और जैसे ही पॉजिटिव आते हैं डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इन सब सुरक्षाओं के साथ वैक्सीन के आने का इंतजार करें, एक बार वैक्सीन आ जाती है तो ये कोविड एप्रोप्रिएट के साथ यूज करके हम इस पैंडेमिक को रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब तक वैक्सीन नहीं या जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, आप जहां भी जाइए मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए, स्वस्थ रहिए खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।